सब है ना, आज हम साड़ी में फॉल लगाना सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग फॉल नहीं लगा पाते हैं, या लगाते हैं तो पूरा सिकुड़न हो जाता है साड़ी में, और हम टेलर के पास देते हैं तो काफ़ी सारा चार्ज लगाते हैं वो लोग लगाई। तो मैं फॉल ले लेके आई हूँ, मुझे बाज़ार में 20 रुपये में मिल गया है, और मैं इसको धुल के प्रेस कर दी हूँ, तो इसको लगाना मैं दिखा रही हूँ कि कैसे नॉर्मल तरीके से लगा लेते हैं। और हमेशा अपना घर में सीख लो तो लगाते रहो, क्योंकि साड़ी तो हमेशा यूज करते हैं और बाजार बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको धुल के प्रेस कर लेना है सीधी, और अगर आप चाहे तो ये आप नीचे मशीन भी लगा सकती हैं, पर मैं नहीं लगाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसको मैं हाथ से करके दिखाती हूँ। पहले इस किनारी को मोड़ लीजिएगा ऐसे करके, अगर ये तिरछा होगा तो आप कैंची से काट लीजिएगा, और नहीं तो बराबर मोड़ दीजिएगा। तो ये इसको हम मोड़ लिए, और इस पे रख के हम इधर एक बिलान छोड़ देंगे इस कपड़े को, इधर ऐसे चार अंगुल सिलाई उलाई पिको करेंगे तो, और ये चार अंगुल छोड़े, यहाँ एक भी था, इतना छोड़ के, इतना हम छोड़ दिए। उसके बाद हम इस पे फॉल रख के सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से नहीं, ये सिलाई जो है ये नीचे होनी चाहिए, और इस पे रख करके अच्छे से, और धीरे धीरे हम लगाना शुरू करेंगे बराबर बराबर करके। इस कलर का यहाँ इसलिए है क्योंकि आगे साड़ी में यहाँ जाली में स्काई है, इसलिए मुझे फॉल स्काई ही लेना पड़ा है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए इतना छोड़ दीजिएगा, ये फॉल वाला धागा भी मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि ये बहुत कमजोर होता है, बार बार धागा टूटने लगते है, घर का धागा है और मैचिंग तो है नहीं, तो मैं घर का ही धागा ली हूँ। देखिए धीरे धीरे इसको ऐसे करके सिलेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाएंगे, नीचे से अच्छे से उठाएंगे लेकिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा। ऐसा सिलाई जो दिखाई ना दे, देखने से बहुत बुरा लगेगा बाद में, तो एकदम थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर से उठाएंगे और ऐसे ही पूरा लगाएंगे पूरे साड़ी को। जब तक फॉल लगाएंगे तब तक दिखाती हूँ आप लोगों को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ऐसे ही लगाते जाएंगे जितना हमारा साड़ी है। ये मैं हाथ से यहाँ तक लगा चुकी हूँ, देखिए धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, थोड़ा ही बचा है। बहुत आसान है लगाना, बस तरीका पता हो तो। दिखाती हूँ इसको करके फिर आप लोगों को, नीचे का पूरा लग चुका है। अबे मैं ऊपर वाला ना पहले मैं कच्चा सिलाई करती हूँ, ताकि ये सिकुड़न ना आ पाए, नहीं अगर करते हैं ऐसे तो डायरेक्ट कर लगा देते हैं तो सिकुड़ जाता है, और हर साड़ी में लेस होता है या पाड़ होता है तो पूरा अच्छे से नहीं लग पाता है। तो देखिए मैं लकड़ी का ये फट्टा ली हूँ और इसके ऊपर मैं कच्चा सिलाई कर रही हूँ, ये कोई भी धागा आप ले सकती हैं, ये पीढ़ा है लकड़ी का, इसको रखने से कंफर्टेबल, हम रख करके आराम से हम लगा सकते हैं। इसको बराबर बराबर रख के, और
धीरे धीरे इसको हम सिलाई कर देंगे, बहुत अच्छे से लग जाता, कोई टेंशन नहीं होता है। देखिए इसको ऐसे दबा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे उठाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। लंबा धागा ले लेंगे, इसको कच्चा सिलाई कर ले रहे हैं। देखिए अगर आप चाहें तो थाली भी, बड़ा थाली है तो आप थाली भी रख सकती हैं। बाजार ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से घर में लगा सकते हैं, थाली से भी हो जाएगा। हो गया, इसको फिर सरका देते हैं। सारे में जितना है 2 मीटर उतना ऐसा ही कर लेंगे दबा दबा के। सारे में ऐसे ही लगा, हो गया हमारा, ये पूरा होने वाला है। देखिए इसको इधर के मोड़ के रखी हूँ, ये इधर, और अगर तिरछा कोना हो तो काट देंगे उसको, या तो उसी में अंदर कर देंगे मोड़ के। तो हो गया ये, अब इसमें तुरपाई करेंगे। खोलेंगे जब ये वाला कच्चा सिलाई, जब हम पूरे अच्छे से हेम कर लेंगे ऊपर, तब तो हेम करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अब हम हेम करना इसको शुरू कर रहे हैं, तो ये धागा ले ली हूँ मैं, इसके जो धागा धागा में जो गांठ है इसको इधर छुपा के नीचे से डालेंगे। ये देखिए नीचे से डाल दिए, अब इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसको पैर से दबा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऐसे पैर से दबा करके पूरा इसको हेम करके, उसके बाद एक कच्चा धागा है उसको खोल देंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, धागा ज़्यादा लंबा नहीं लेना, नहीं तो उलझ जाता है। यहाँ मोड़ पे हम आ गए, यहाँ थोड़ा सा धागा को मोड़ देंगे, नहीं तो ये धागा देखिए ऐसे खींचने से ना इधर का भी खींच जाएगा। तो यहाँ ऐसे खींच दिए, खींचने के बाद में इसको थोड़ा सा पकड़ के टांक देते हैं। ये देखिए हो गया, अभी खींचने से भी नहीं खींचेगा, आराम से रहेगा। अब यहाँ से अच्छे से पैर से इसको ऐसे दबा के इसको ऐसे पकड़ के, ये देखिए ऐसे, जहाँ तक फॉल है हमारा ऐसे ही करते जाएंगे। ऐसे ही देखिए पैर से पकड़ के थोड़ा दबा करके, और ऐसे ही अपना जहाँ तक फॉल है पूरा अच्छे से ऐसे ही धीरे धीरे तुरपाई कर लेंगे इसको। इधर थोड़ा धागा लंबा हो जाए, पीछे से छोटा छोटा ले लेना है, ऐसे ही सारा लगाना है। देखिए इधर बिल्कुल धागा नहीं दिखाई दे रहा, और कच्चा धागा जो हम किए हैं वो बाद में काट देंगे। तो ऐसे ही मैं पूरा लगाती हूँ। हेम हमारा हो चुका है ऊपर का पूरा, अब इसको इस जो हम कच्चा सिलाई किए थे इसको सारे को निकाल लेंगे, यहाँ से खींच लेते हैं, सारे निकाल लेंगे।
ये देखिए सारा निकाल लिए हम। ये फॉल पूरा, इसमें लेस और पार दोनों हैं। देखिए कितना अच्छा बैठ गया फॉल, पता ही नहीं चल रहा कि फॉल लगा हुआ है। देखिए तो ऐसे ही फॉल लगाते हैं, बहुत लगाना आसान है। देखिए कहीं सिकुड़न नहीं है, देख लीजिए आगे से चाहे पीछे से भी। तो ये साड़ी तैयार हो गया पहनने के लिए।